आरटीओ कार्यालय द्वारा उन सभी वाहन चालकों को राहत दी जा रही है जिन्हें स्पीड गवर्नर डिवाइस लगवाने के बाद कागजी रसीदें दी गई थी और जिन्हें आरटीओ का सॉफ्टवेयर प्रदर्शित नहीं कर रहा था। आरटीओ के इस पहल से बहुत से वाहन चालक दोबारा स्पीड गवर्नर डिवाइस लगवाने से बच गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पूर्व में स्पीड गवर्नर डिवाइस अनिवार्य करने का आदेश जारी करते हुए 8 सीटर तक के यात्री वाहन और 3500 किलो क्षमता तक के लोडिंग वाहनों को छूट दी थी, लेकिन सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों को देखते हुए मंत्रालय ने इस छूट को खत्म करते हुए हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी चार पहिया यात्री वाहन और लोडिंग वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए गए थे उनके रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर ना दिखने के कारण वहाँ मालिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शासन की सख्ती के बाद ऐसे सभी वाहन मालिक अपने वाहनों में फिर स्पीड गवर्नर लगाने को मजबूर हो रहे थे, जिनके नंबर वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद आरटीओ विभाग द्वारा इस समस्या के निदान के लिए एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें उन सभी वाहनों को शामिल किया गया जिनके पास हाथ से लिखी रसीदें तो हैं लेकिन उनके नंबर वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद अब 3000 ऐसे वाहन मालिक पर से दोबारा स्पीड गवर्नर लगाने का झंझट खत्म हो गया है। स्पीड गवर्नर लगाने के लिए भारत सरकार से और मध्य प्रदेश शासन स्तर पर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में इस प्रकार के निर्देश थे कि उन पर सर्टिफिकेट ही उनका मान्य किया जाता था और स्पीड गवर्नर कंपनी उनको सर्टिफिकेट देकर फिटमेंट करती थी। इसके बाद में हमारे विभाग द्वारा उसको MIS से सर्टिफिकेट जनरेट करना प्रारंभ कर दिया गया और इसके बाद में नई व्यवस्था ये हुई कि उसको हमारी साइट पर भी चढ़ाने का हो गया। पिछले वर्ष जो जनवरी से स्पीड गवर्नर लगे थे वो हमारी साइट पर प्रदर्शित नहीं होते थे। प्रदर्शित न होने के कारण कई समस्याएं बस ऑपरेटर्स को, ट्रक ऑपरेटर्स को हुई। परिवहन आयुक्त के द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर हमारे द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, उसमें उन जो मैनुअल रसीदें थी इनकी उनको भी हमने उसके वेरिएंट से चेक करके उनको अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। करीब हमने 3000 पुराने जो स्पीड गवर्नर थे उनको चेक करके हमने उनको चढ़ा दिया। आरटीओ कार्यालय की यह पहल निश्चित ही हजारों वाहनों के लिए राहत साबित हो रही है।